भारतीय सेना का जोश लगातार हाई है। ऐसा शायद कोई ही दिन होगा जब भारतीय सेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करे। हाल ही में भारत की थल, वायु और नौसेना ने अपनी ताकत को जबरदस्त तरीके से बढ़ाना शुरू कर दिया है। ब्रह्मोस हो या आकाश मिसाइल, हेलिना मिसाइल हो या पिनाका रॉकेट सिस्टम, सभी आसमान में आग लगा रहे हैं। पोखरण से लेकर सिलीगुड़ी, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत हर जगह बड़े युद्ध अभ्यास कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर भारत किस तैयारी में लगा है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भारत सीमा सुरक्षा को लेकर और भी चौकन्ना हो गया है। चीन के साथ भारत का LAC पर लगातार गतिरोध जारी है। पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और अब इसी बीच एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए भारतीय वायुसेना को हर वक्त शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशन के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ जाए और हमारे पास वक्त की कमी हो। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर भारत में चल क्या रहा है और वो बिना गिने मिसाइलें क्यों दाग रहा है। फरवरी 2021 के बाद चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध विराम चल रहा है। सीमाओं पर शांति है, लेकिन इस शांतिकाल का इस्तेमाल भारतीय सेना लड़ाई के हर हथियार में महारत हासिल करने के लिए कर रही है। स्वदेशी ब्रह्मोस के कई वर्जन्स का इस बीच लगातार परीक्षण किया गया। उनमें से एयर वर्जन यानी सुखोई से फायर होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है। इसराइल के सहयोग से बनाई गई मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM का कामयाब परीक्षण किया गया। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश के भी परीक्षण इस दौरान किए गए। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का भी परीक्षण हुआ। और इसराइल से खरीदी गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक सेना और वायुसेना दोनों में शामिल की गई। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया, जिसमें हर किस्म के हथियार, हर किस्म के जहाज से फायर किए गए। ब्रह्मोस के नेवल वर्जन के भी इस बीच कई परीक्षण हुए हैं। भारतीय सेना राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक में लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चीन की सरहद के पास पैरा ट्रूपिंग के जरिए सैनिकों को बड़ी तेजी से मोर्चे तक पहुंचाने का अभ्यास भी शामिल है। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने कहा है कि वायुसेना को बहुत घमासान और बहुत कम वक्त के लिए लड़े जाने वाले युद्धों की तैयारी करनी है। साथ ही तैयारी इस बात की भी करनी है कि लंबे अरसे तक मोर्चे पर कैसे डटे रहा जाए। पुरानी कहावत है कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना शांति की इकलौती गारंटी है, और इस समय भारत शांति की इसी गारंटी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.